धंधे से ही देंगे कि जिस तरह अभी भरोसा बनाया है बस वोट तक बना के रखिए, 5 साल उस भरोसा का परिणाम आपको हम दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड न्यूज बिहार, मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार राय, बात बेवाद सच के साथ। त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव का माहौल चल रहा है और प्रखंड क्षेत्र बछवाड़ा में 8 दिसंबर को मतदान होना है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे प्रत्याशी अपनी ताकत पूरी तरह झोंक चुके हैं। वहीं अभी हम मौजूद हैं बछवाड़ा प्रखंड अंतर्गत चिरंजीवपुर पंचायत में और चिरंजीवपुर पंचायत में कुल 8 मुखिया प्रत्याशी, और आज मैं आपको वैसे मुखिया प्रत्याशी से रूबरू करा रहा हूं जिनकी उम्र महज 24 साल है और वह इस बार चिरंजीवपुर पंचायत से अपनी उम्मीदवारी दे रहे हैं। और साथ ही मैं एक बात आपको बता देना चाहूंगा कि चिरंजीवपुर पंचायत से जितने मुखिया प्रत्याशी हैं उन तमाम मुखिया प्रत्याशी में सबसे कम उम्र के यह प्रत्याशी हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आप किस उद्देश्य से चुनावी मैदान में आए हैं और यदि आपको सफलता मिलती है तो चिरंजीवपुर पंचायत में विकास का कार्य कितने हद तक होगा। साथ ही आप मेरे अगल बगल देख सकते हैं यह जन सैलाब है चिरंजीवपुर पंचायत में अपनी उम्मीदवारी दे रहे अमित गौतम का, और अमित गौतम महज 24 साल की उम्र में चिरंजीवपुर पंचायत से अपनी उम्मीदवारी दे रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे। अमित गौतम जिंदाबाद, अमित गौतम जिंदाबाद, चिरंजीवपुर का मुखिया कैसा हो, चिरंजीवपुर का मुखिया कैसा। आप चिरंजीवपुर पंचायत से अपनी उम्मीदवारी दे रहे हैं, किस उद्देश्य से आप उम्मीदवारी दे रहे हैं, और साथ ही आपकी उम्र महज 24 साल है और आप प्रथम बार चुनावी मैदान में है, इस संबंध में आपका क्या कहना होगा। देखिए, अभी तक के एजुकेशन के हिसाब से मेरा था कि सबसे ज़्यादा मेरा प्रायोरिटी होगा आपको एजुकेशन और हेल्थ, लेकिन उस समय हम ज़्यादा नहीं घूम पाए थे, लेकिन इस बीच में हम कई बार दौरा किए। उस दौरा के दौरान हमको दो चीज़ देखने को मिला खास करके, एक आपको कि जो पुराने प्रतिनिधि थे तो उनमें जात पात वाला बात, कास्ट और रिलीजन को बहुत ज़्यादा करते थे, तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानेंगे। और दूसरा चीज़ था कि ये भी पता चला, कई लोग से मिले, ज़्यादातर यूथ हमसे कनेक्ट कर पाए अपने आप को, तो यूथ से हम मिले तो क्या होता है कि कुछ खास लोगों का बोलबाला था। हम ही देख लीजिए, आप यहाँ घूम के देखिए, ज़्यादातर यूथ है कौन कास्ट का है कौन रिलीजन का मायने नहीं रखता है, हमारा मित्र दोस्त है और अपना पूरा सपोर्ट हमको दे रहा है, तो एजुकेशन हेल्थ और करप्शन जितना हम कर सकते हैं अगर मौका मिला मेरे लिए भी सौभाग्य का बात होगा इस पंचायत के लिए। जी, ये एक तरह से एक्सपेरिमेंट है मेरे लिए भी और पंचायत के लिए भी, लेकिन हमको लगता है बढ़िया एक्सपेरिमेंट, अच्छा परिणाम निकलेगा। संदेश यही देंगे कि जिस तरह अभी भरोसा बनाया है बस वोट तक बना के रखिए, 5 साल उस भरोसा का परिणाम आपको हम देते हैं। आपने इनकी बातों को सुना, आप देख सकते हैं जन सैलाब जब चिरंजीवपुर पंचायत से अपनी उम्मीदवारी दे रहे हैं अमित गौतम का, जन सैलाब है और क्या चिरंजीवपुर पंचायत में परिवर्तन का दौर आएगा, और क्या इस युवा को इस पंचायत से उम्मीदवारी करने का जो मौका मिला है क्या सफलता हाथ लगेगी। तो हम आपको चिरंजीवपुर पंचायत की एक एक भौतिक स्थिति से अवगत कराएंगे, और साथ ही आप मेरे अगल बगल देख सकते हैं यह जन सैलाब क्या अमित गौतम की जीत सुनिश्चित करती है। हम यहाँ के लोगों से ही बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आप हमें ये बताइए कि आपका क्या नाम है, क्या लगता है अमित गौतम को सफलता मिलेगी। तो जिस तरीके से यह जन सैलाब है, कहीं ना कहीं चिरंजीवीपुर पंचायत से अमित गौतम की जीत सुनिश्चित करती है। हालांकि 10 तारीख को मतदान का रिजल्ट आएगा, उस मतदान के रिजल्ट के बाद क्या होता है हम आपको भी उससे अवगत कराएंगे। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहे मिड न्यूज बिहार। कैमरामैन रोहित कुमार के साथ दीपक कुमार राय की रिपोर्ट।